दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे। इस वक्त हूँ मैं स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने लिया यहाँ पे, और बहुत तफ्तीश के बाद एक चीज़ पता चला है कि क्या यहाँ पे जॉब मिलता है, क्या यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको हकीकत से रूबरू कराऊँगा और बताऊँगा कि क्या यहाँ पर प्रोसेस है वर्क परमिट मिलने का। तो दोस्तों यहाँ पे आया हूँ मैं कुछ अपने पर्सनल हॉलीडेज़ के लिए, लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना मैं कुछ लोगों से मिलूँ। बट होता है ना कि हर कंट्री की अपनी प्राइवेसी होती है, तो कैमरे के सामने नहीं आया। बट उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताया, तो वो गोवा के थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने उनसे पूछा कि यार यहाँ पर जॉब्स कैसे लगते हैं, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मलिक भाई देखिए, यहाँ पर जो होता है जॉब्स ऐसे लगते नहीं हैं। वो पुर्तगीज़ पासपोर्ट उनके पास था, क्योंकि गोवा के जो लोग होते हैं और उनके जो ग्रैंडफादर जो पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ में रहते थे, तो उनका ये होता था कि भाई उनके लिए वो तो अच्छा ऑप्शन था, तो वो पुर्तगीज़ पासपोर्ट। लेकिन मैंने पूछा कि अगर आम नॉन यूरोपियन यूनियन को आना है या इंडियन पाकिस्तानी किसी को आना है तो कैसे। बोला उसका एक रास्ता ये है कि अगर कोई कंपनी खोलता है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पर उसकी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर्विस इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि क्या उस बंदे की नीड्स यहाँ पर है। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, इंडियन या एशियन। अब इंडियन एशियन अगर मैंने खोला है तो उसमें मुझे जो कुक चाहिए वो मुझे चाहिए इंडियन। अब मैं जब इंडियन स्विट्ज़रलैंड में खोजता हूँ या यूरोपियन यूनियन में खोजता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। तो जब मुझे मिलता नहीं तो मैं क्या करूँगा, तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि भाई मुझे एक इंडियन या मुझे एक पाकिस्तानी अच्छा शेफ मुझे मिल रहा है उत्तराखंड से या फिर पाकिस्तान से, जहाँ से मुझे बंदा मुझे यहाँ चाहिए। उसको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट्स को, यहाँ की मिनिस्ट्री को, कि मुझे उस टाइप का बंदा यहाँ नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो मेरे बजट के बाहर मिल रहा है। तो बजट के बाहर का मतलब क्या है, मैं आपको रूल समझाता हूँ। यहाँ जो मिनिमम सैलरी है एज ए वेटर के लिए, उसने बताया मुझे कि मलिक भाई 5,000 यूरो मुझे मिनिमम उनको देना पड़ेगा। 5,000 यूरो सैलरी वेटर की सैलरी है। स्विस फ्रैंक की बात करो, स्विस फ्रैंक थोड़ा सा कॉस्टली होता है। यूरो के मामले समझा दो कि 5-5.5 हज़ार मिनिमम सैलरी उनको देना होता है। अब 5-5.5 हज़ार का सैलरी दोगे, उस पर टैक्सेस कटते हैं जो भी। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई इस पे और बेनिफिट्स क्या। बोलते कंपनी एकोमोडेशन देती है, फूड हमारा ड्यूटी टाइम पे होता है। तो ये जो लोकेशन है दोस्तों, मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ, गस्तादी, बहुत फेमस है बॉलीवुड। इस पे मेरा ब्लॉग्स वीडियो पे आएंगे, आप देखना कभी और मेरे चैनल पे। तो ये की चीज़ जाना हूँ मैं कि 5,500 यूरो सैलरी मिनिमम वेटर का था। और मैंने पूछा एकोमोडेशन नहीं देते हैं तो कितना चार्ज है। तो बोला सर मैं जो अपना खुद का लिया हूँ तो मैं 1,250 यूरो देता हूँ, और एक छोटा सा स्मॉल सा स्टूडियो है जिसमें सिंगल बेड है सिर्फ, मतलब समझ सकते हो नॉर्मली। उसके बाद तो ये तो वेटर के बारे में बताया। फिर जब मैंने जॉब्स के सेफ कवर, तो सेफ के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के बाद यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो आम वीडियोज़ जो लोग बना रहे हैं, गलत फहमी लोगों को मार्केट में फैला रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में और नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है स्विट्ज़रलैंड में कि आपको नौकरी इतनी आसानी से मिलेगी। स्विट्ज़रलैंड में बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ यूरोपियन यूनियन में काम कर रहे हो या माल्टा में हो या क्रोएशिया में हो, कहीं पे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई थर्ड कंट्री नेशनल को क्यों ले रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द यहाँ के जो यूरोपियन लोग हैं उनके लिए जॉब्स है, बाहर वालों के लिए इतना नहीं है। आप सोचोगे कि आपको जॉब मिल जाए, इतना आसान चीज़ नहीं है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड उस मामले में नहीं है। ये जो वीडियोज़ यूट्यूबर्स बनाते हैं बहुत सारे यहाँ पे आके भी, वो गलत वीडियोज़ होता है। सैलरी बहुत अच्छी है, जैसे लक्ज़मबर्ग के बारे में वीडियो बनाया था हकीकत कि भाई अगर 4,000 यूरो आपको सैलरी दे रहा तो आपको क्यों लेगा, क्यों आपको सोच रहे हो कि 4 लाख सैलरी 5 लाख आपको देगा, आपको क्यों देगा सैलरी इतना, 4-5 लाख क्यों ज़रूरत है आपको सैलरी देगा, इतना नहीं है। तो स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ जॉब करना है तो प्रूफ करो कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तो ही यहाँ पर जॉब्स के लिए चांसेस है, वरना ऐसा कोई चांस नहीं है जिस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जाके डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाता हूँ। पीछे का व्यू देख रहे हो, ये वही जगह है जहाँ पर शाहरुख खान काजोल का शूटिंग हुआ था, बेकरी के अंदर जो कॉफ़ी लेके बंदे के भाग गए थे, पेमेंट देना पड़ा था, ये वही बेकरी है। यहाँ पे खड़ा होकर वीडियोस बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि क्या हकीकत है स्विट्ज़रलैंड के बारे में, क्या हकीकत है स्विट्ज़रलैंड में आने का, कितनी सैलरी यहाँ में मिलती है, एकोमोडेशन कितने का होता है, यहाँ का वीज़ा का टेंशन नहीं है, सॉरी यहाँ का वर्क परमिट का टेंशन नहीं है। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तब जाके यहाँ पे कुछ होगा। एक वीडियो और बनाऊंगा कि यहाँ वर्क परमिट का प्रोसेस क्या होता है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल सकता है, आपको भी जॉब मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा यू आर द बेस्ट और आपकी यहाँ पे वाकई में रिक्वायरमेंट है। वरना आप सोचोगे
कि आसानी से जॉब लग जाए, झूठ बात है, एकदम गलत है। तो गलती से भी ऐसे किसी स्कैमर के चक्कर में मत फंसना कि आपको स्विट्जरलैंड या लग्जमबर्ग पहुंचा देगा, नॉट पॉसिबल दोस्तों। तो अपडेट वीडियोस बनाते रहता हूँ, स्विट्जरलैंड में वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग्स बनाना चालू किया, ब्लॉग्स पे सपोर्ट कीजिए, जॉब्स के बारे में एक एक अपडेट देता हूँ, और थोड़ी सी वीडियो अब हफ्ते में 3-4 ही आते हैं, रोज़ के वीडियोस नहीं बनाऊँगा अब, और एल्गोरिदम चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा जो नया चैनल का ब्लॉग्स है तबरेज़ मलिक ब्लॉग्स, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ मलिक ऑफिशियल है, वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिए, या मुझे वीज़ास मिलेगा जी मेरे मेल कर सकते हैं, या मेरा सेंट्रल नंबर है 9988883854 पे अपनी कोई भी वीज़ा की एप्लीकेशन या जॉब एप्लीकेशन के लिए सर्विसेज मैं देता हूँ, असिस्ट करता हूँ जॉब के लिए, उस पर बात कर सकते हैं, या दुबई का नंबर मैं 9079715649354 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बताइएगा जरूर, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।